बड़ी बात है। सीएम की सीएम की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है, नहीं तो आदमी तो सीएम की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े। तो सीएम की कुर्सी ठुकरा दी उन्होंने। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मिले, उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए। मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं, एक एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, दो चार को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको। कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक, सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको एमएलए को, इन्होंने कहा भी 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में, ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं? आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं, आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग, 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 220 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे, पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए, और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रख रहे हैं तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में, ये किसका पैसा है? इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। स्क्रिप्ट में जा रहे, आप देख लीजिए इनका पूरा क्रोनोलॉजी, हमको कहने की कुछ जरूरत नहीं, आदेश गुप्ता को बताने की कुछ नहीं जरूरत। दिल्ली की महिलाएं बच्चे जब सड़कों पे थे बोले दिस इज बेस्ट पॉलिसी, रेवेन्यू मॉडल ठक 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 बढ़ जाएगा। थोड़े समय बाद जैसे ही जांच शुरू होती है, अरे जल्दी समेटो नहीं तो हम तो गए जेल। बिना विभाग का मुख्यमंत्री होने से कोई बच नहीं पाता, और हम एक सांसद के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के रूप में, हम किसी को बचने भी नहीं देंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे साहब इसकी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आप नई नई स्क्रिप्ट बना के, जब जांच शुरू हो गई एलजी दोषी थे, नहीं समझ में आया, लगा कि अरे तो मर रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी किनको, इनको भाजपा ज्वाइन करा रही है, प्रूफ नहीं देंगे, फिर कहते खरीद रही है। अरे जिस स्थिति में आप लोग हो, केवल जवाब देना है आपको इन सवालों का कि हमारे दिल्ली के शराब घोटाले के जो आज मैं समझा रहा हूं, ये चारों जोड़ लीजिए, 144.36 करोड़, 30 करोड़, 1 करोड़, 8,100 करोड़ और 2% से 12% होने में उसका डेटा लेना पड़ेगा कि कितनी शराब बिकी है, तभी पता चलेगा ना कि कमीशन कितना गया। इन सारों को टोटल करके अरविंद केजरीवाल जी, इसकी चर्चा अगर आप किए होते विधानसभा में तो हमें लगता कि आप कहीं से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की, जांच करने की नीति रखते हो। लेकिन इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया दिल्ली एक बार फिर से जानी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को हम जो कोशिश कर रहे हैं एक सांसद के रूप में, कि ऐसे लोगों को न सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए बल्कि लूट का एक एक पैसा दिल्ली सरकार के खजाने में जमा भी करना पड़ेगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी।